तो हेलो भैया जी, कैसे हो आप सब। सादिया तुलवारे, रितेश देशमुख और मैच मेकर सादिया फिक्स कराने वाली तमन्ना भाटिया दोनों की एक अजीब लव स्टोरी का टीजर प्लान ए और प्लान बी का रिलीज हुआ, जिस पर रिलीज होने वाली 30 सितंबर को। एक ऐसी मूवी जिससे कि रितेश देशमुख अपना OTT डेब्यू करने वाले हैं। तो बात पहले से तय थी, उन्होंने एक साल पहले एक पोस्ट में लिखा हुआ था कि भाई साहब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने OTT डेब्यू। हाल ही में यार इस टाइम पे OTT डेब्यू के साथ ही वो इनका एक और शो आ रहा है जो कि अमेजोन मिनी पे आ रहा है, ये केस तो बनता है, जिसमें वो सेलिब्रिटीज के ऊपर मुकदमा चलाते हैं, उसी के सामने वरुण धवन उनको डिफेंड करते हैं। तो इन चीजों के बाद ऐसा लग रहा है कि भाई साहब उनको लग रहा है कि हमारी एक्टिंग का स्कोप अभी OTT प्लेटफॉर्म्स पर ही। इस बात से देखा जाए तो ये बात कहीं से गलत नहीं है कि अगर आपको जहां से पैसे दो चार मिल रहे हैं वहां पे घुस जाओ भैया, क्योंकि इनकी लास्ट में जो मूवी आई थी वो 2020 में बागी 3 आई, जिसके साथ इन्होंने टाइगर श्रॉफ के साथ इन्होंने लीड रोल में काम किया हुआ था, और उसके साथ अभी 2022 में आई एक विलन रिटर्न में इनका कैमियो रोल दिया गया है, क्योंकि इनको भी पता है कि बॉलीवुड के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो जहां से दो चार चिगलर आए वहां से बटोरो, क्योंकि इन लोग तो डुबाने वाले अपना करियर अपना, तो कुछ धीरे धीरे जो भी हो चलता रहे। क्योंकि ये मूवी का टीजर देखा जाए तो टीजर में ही पूरी की पूरी मूवी की स्टोरी रिवील कर ही दी जाती है। लेकिन हाँ, ये बात जरूरी है कि आपको एक रोमांटिक ड्रामा मूवी देखने को मिलने वाली है नेटफ्लिक्स पे, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल तगड़ा माल होगी शायद, क्योंकि रीमेक के बारे में हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं। ये बात से समझो कि तमन्ना भाटिया जो है कि वो एक मैच फिक्सर होती हैं जो कि शादियां फिक्स करवाती हैं, उसके बाद ही रितेश देशमुख एक एज अ लॉयर है जो कि शादियां डिवोर्स करवाते हैं। एक अजीब सी लव स्टोरी हमें पूरे मूवी में मजा देने वाली है, तो इस बात से भी समझो कि कोई खास चीज तो नहीं है, लेकिन अगर वक्त के साथ देखा जाए तो ऐसी चीजें हो सकती हैं। सब मूवी की तरह देखो भैया, क्योंकि अगर ज्यादा लॉजिक लगाने वाले हो तो हर लॉजिक आपका फेल हो जाएगा इन चीजों के बारे में। तो 30 सितंबर को हमें नेटफ्लिक्स को देखने को मिलने वाला रितेश देशमुख का ये OTT डेब्यू होने वाला है इस मूवी के साथ। और तमन्ना भाटिया तो आ ही चुकी हैं बहुत सारी मूवीज प्लेटफॉर्म्स के लिए, लेकिन उनकी भी काफी वक्त के बाद ऐसी मूवी होने वाली है OTT पर। तो नेटफ्लिक्स जिस तरीके से अपनी मूवीज को अनाउंस कर रहा है वो प्लानिंग के साथ चल रहा है, जिस तरीके से अभी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म्स की इतनी ज्यादा कंटेंट नहीं आ रहे, नेटफ्लिक्स मूवीज पे मूवीज खरीदे ही पड़ा है, पता नहीं भाई साहब क्या हो गया, पैसा ज्यादा दे रहा है क्या, क्योंकि लाल सिंह चड्ढा भी खरीद ली उसने, कुछ तो बात होगी भाई। तो अगर वीडियो अगर आपने अभी नहीं देखा हुआ है टीजर का तो जाके देखो प्लान ए और प्लान बी का, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके जाना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।